उसकी पक्का पक्का। बोलिए सर, ये ग्रुप एक गैंग है जो लोगों को लोन दिलाने के नाम पर हमसे ठगी करके, जो गरीब जनता है उसको गुमराह करके और उनसे कुछ पैसे ऐंठने का काम फर्जी कागजात दिखाकर और फर्जी चेक देकर करने का काम करता था। एक मिस्टर हृदेश हैं, इन्होंने थाना चिल्ला में कल ये सूचना दी थी कि ऐसा ऐसा उनके साथ घटना हुई है जिसमें 10,000 रुपये उनसे ले लिए गए थे और 7 लाख रुपये का फर्जी चेक उनको दिया गया। इसी सूचना को विकसित किया गया इंस्पेक्टर चिल्ला और वहाँ के और फोर्स ने, और सीओ सदर इसको सुपरवाइज कर रहे थे और इनके सुपरविजन में ये बड़ा अच्छा काम हुआ है। चारों गिरफ्तार हो गए। इनका एक और सदस्य रामचंद जो कानपुर का रहने वाला है वो अभी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। इनका मोडस ऑपरेंडा ये था कि ये जगह जगह जाकर और लोगों को, जैसे गांव में देहात में जो जनता है उसको ये कहते थे कि तुमको आवास दिला देंगे या लोन दिला देंगे या ऐसा कर देंगे, और उसके एवज में कुछ पैसे उनसे लिया करते थे, किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 15,000। और जब थोड़ा दबाव बनने लगता था तो उसको एक चेक पकड़ा देते थे, जो चेक बाउंस हो जाता था। तो जिसके नाम से वो अकाउंट है, वो अकाउंट भी ट्रेस हो गया है और उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। और ये चारों जो मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, ये विनय हैं, हरिश्चंद, दिनेश और विजय, ये चारों फतेहपुर के रहने वाले हैं और पहले ये कपड़ा वपड़ा की फेरी लगाते थे और इसके बाद फिर उनको ये लगा कि इसमें बड़े आसानी से और अच्छे पैसे मिल सकते हैं कम मेहनत से, तो फिर इस धंधे में उतर गए। और ये प्रयास है कि इसमें जो और मुलजिम वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और इनके द्वारा और जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं की गई हैं उनके बारे में भी बात करके वहाँ भी जो भुक्तभोगी होंगे उनकी तरफ से अभियोग पंजीकृत कराए जाएंगे।